दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे आप मेरे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे और रोज़ नई नई रेसिपी पाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरी आज की जो रेसिपी है वो है साबुदाना बड़े, जिसे हम फास्ट में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने 1 कप साबुदाना भिगो करके लिया है, उसके पानी को अच्छे से निकाल लिया है। कोरिएंडर लीव्स, 1 बॉइल्ड पोटैटो है, 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक है, 1 ऑनियन मैंने चॉप करके लिया है, गरम मसाला, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो दोस्तों अगर हम फास्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे साबुदाना वड़े तो हम उसमें अनियंस को नहीं डालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम साबुदाने को पानी में 1-2 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। ये देखिए पानी में अब ये साबुदाना बॉयल हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने बॉयल करके इसे ड्रेन भी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में सारा साबुदाने को हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी सामान डालेंगे वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और अलग अलग नहीं होगा जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे। मैंने पोटैटो को मैश कर लिया था तो मैश पोटैटो भी डाल देंगे। अब धनिया पत्ती, चिली और जिंजर, पीनट, सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और रेड चिली पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर ये थोड़ा सा गीला रह भी जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऊपर से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके हमें पेस्ट को एज अ टूथपेस्ट के पेस्ट की तरह रेडी करना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आरारोट पाउडर लेंगे और उसमें थोड़े बड़े बड़े बॉल बना करके ताकि ये और भी क्रिस्पी लगे और अच्छे से बाइंड हो जाए, ताकि हम इसे तेल में डालें तो ये फैले ना। ये देखिए कर लिया मैंने। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसको हीट होने के लिए मैंने पहले से रखा था और हम इसे एक एक करके सारे वड़े को हम तल लेंगे रेड होने तक, ताकि ये और भी क्रिस्पी और टेस्टी लगे। ये देखिए दोस्तों साबुदाना वड़े रेडी हो गया है। हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।